हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 7 की विज्ञान, जिसका हमारा चैप्टर है 5वां, नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। इस चैप्टर के 3 पार्ट होंगे। इस पार्ट में मैं पहले और दूसरे पार्ट में पूरा चैप्टर आपको समझाऊंगी अच्छे से, और जो तीसरा पार्ट होगा मैं उसमें आपको एक्सरसाइज कराऊंगी। तो चलिए अपनी क्लास जो है, तो भाई हमें बताना ये है कि आजकल हमारे चैनल पे ना बम्पर ऑफ़र चल रहा है, जिसमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 1 महीने तक हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। कम एक दिन में कम से कम 15 लोगों को शेयर करना है, 15 ग्रुप्स में शेयर करना है। इससे कम मत करिएगा, इससे कम करेंगे तो आप रैंकिंग में नहीं आएंगे। जो टॉप 10 लोग होंगे जिन्होंने 30 जुलाई तक सबसे ज़्यादा शेयर किए होंगे, उनको ये गिफ्ट्स दिए जाएंगे। और आपको बता दें, इसका जो रिज़ल्ट होगा वो 5 अगस्त को घोषित किया जाएगा। बस इतनी सी जानकारी देनी है, और बाकी की जो डिटेल होगी वो चैप्टर के बाद में बताई जाएगी, ठीक है ना। वो शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा 5वां चैप्टर है अम्ल, क्षारक और लवण। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है, अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। मतलब हम अपने खाने में नींबू, इमली, शक्कर आदि जो चीज़ें होती हैं, खट्टे मीठे, ठीक है, इस टाइप के जो चीज़ें होती हैं हम यूज करते हैं, ठीक है। क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? तो भाई इन सब का स्वाद जो होता है एक समान नहीं होता है। फिर कह रहे हैं कि यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा है तो चखिए और परिणाम निकाल लें। जैसे नींबू का रस कैसा होता है बताइए, नींबू का रस कैसा होता है? तो आप कहेंगे खट्टा होता है, ठीक है। अगर आपसे हम कहेंगे संतरे का रस कैसा होता है तो आप क्या कहेंगे? तो संतरे का रस जो होता है कैसा होता है? खट्टा होता है। ये अगला जो है उसमें अगर हम कहेंगे सिरका कैसा होता है, वो भी खट्टा होता है। दही कैसा होता है? खट्टा, कभी कभी जब 2-3 दिन का हो जाता है तो खट्टा हो जाता है। इमली भी खट्टी होती है, शक्कर मीठी होती है, नमक नमकीन होता है, आंवला अजीब सा अकराता हुआ खट्टा होता है, खाने का सोडा वो उसका अलग ही टेस्ट होता है, अंगूर खट्टा होता है, कभी कभी हल्का मीठा भी होता है, कच्चा आम खट्टा होता है, खीरा जो होता है उसका भी अलग ही स्वाद होता है, ना खट्टे में होता है ना मीठे में होता है, ठीक है। फिर अब इस चेतावनी दी है इन्होंने, क्या है चेतावनी देखते हैं। किसी भी वस्तु को तब तक चखिए, तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे ना कहा जाए। मतलब जब आपसे कहा जाए तभी आपको चखना है। किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श ना करें जब तक आपसे ना कहा जाए, मतलब जब तक आपसे कहा नहीं जाता है तब तक आपको ना टेस्ट करना है ना ही छूना है। फिर कह रहे हैं, आप देखेंगे कि इसमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन है। अब ये जो लड़की है, लड़का है, पूछो क्या कहता है, ठीक है, क्या कहता है देखते हैं। ये कहता है कि क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चख सकता हूँ? तो ये लड़की कहती है, नहीं, क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी? हमें तब तक नहीं चखना है, क्या मतलब, क्या पता अगर हम चख लें और वो हमें हानि पहुँचा दें, मतलब जब हमसे कोई कहे चखने को तभी हमको चखना है। फिर यहाँ पे लिखा है अम्ल क्षारक, अम्ल और क्षारक। तो ये कह रहे हैं कि दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। तो इन चीज़ों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें क्या होता है? अम्ल होता है। क्या होता है इनमें? अम्ल होता है। ऐसे पदार्थों को रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। कैसी होती है? ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति कैसे होती है? अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। तो एसिड जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे हुई? एसियर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल जो होती हैं कैसे होते हैं? प्राकृतिक अम्ल होते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि खाने का सोडा, बेकिंग सोडा कैसा होता है? तो इसका स्वाद भी खट्टा होता है? तो नहीं, खाने का सोडा जो होता है उसका स्वाद खट्टा नहीं होता है। तो इसका स्वाद कैसा होता है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है कि इसमें अम्ल नहीं है, ठीक है।
तो कह रहे हैं जिसका मतलब है कि इसमें कोई अम्ल नहीं है, इसका स्वाद कड़वा है। यदि आपके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना हो जाता है। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं तो क्या होते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है, क्षार की होती है। तो अम्ल क्या होते हैं, अम्ल वो होते हैं जो खट्टे होते हैं, और जो हमारे जैसे कि दही हुए ये सब चीज़ें जो हुई हमके खाने पीने वाली चीज़ों से मिलते हैं तो वो हमारे प्राकृतिक होते हैं। और क्षार क्या होते हैं, जो हमको दिखने में यानी स्वाद में हल्के कड़वे हों और छूने में साबुन जैसे हों तो वह हमारे क्या होते हैं, क्षार होते हैं। फिर आगे ये कह रहे हैं यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते हैं तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी। कोई पदार्थ जो है अम्ली है अथवा क्षारकी है इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये क्या होते हैं, सूचक कहलाते हैं। मतलब किसी पदार्थ की हमें विशेषता ज्ञात करनी है कि वो अम्ली है या क्षारकी है तो उसके लिए जो पदार्थ यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। सूचकों को जब अम्ली अथवा क्षारकी पदार्थ विलयन में मिलाया जाता है तो उनका जो रंग होता है वो बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। मतलब ये जो हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पत्तियाँ ये जो चीज़ें हैं इनसे हम आसानी से पता चल सकते हैं कि हमारे पास जो है पदार्थ है वो अम्लीय है या क्षारकीय है। तो इन ये जो पदार्थ कहलाते हैं जिनसे हमें पता चलता है तो ये क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं, जो हमें सूचना देते हैं कि अम्लीय है या क्षारकीय है। ये कह रहे हैं क्या आप जानते हैं, तो किस बात के लिए कह रहे हैं, देखते हैं अम्ल का नाम किस में पाया जाता है, तो ये भी देखते हैं अम्ल का नाम और ये किस में पाया जाता है ये बताया है। तो अम्ल जो है एसिटिक अम्ल किस में होता है, सिरका में होता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में होता है, किसके डंक में, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, अगर आपने कभी चींटी नहीं खाई है तो खाना नहीं है, चखना है भाई, ऐसा करना नहीं, कभी गलती से कुछ क्या से क्या कर डालो, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, ओके। तो जैसे कि कभी जब छोटे होते हैं ना अक्सर हो जाता है चीटा चीटी वगैरह हम लोग मुंह में डाल लेते हैं या खाने में ही अक्सर कभी कभार आ जाता है, तो सबके साथ ऐसा हुआ होगा, आप लोग जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं करना, ओके। तो क्या होता है कि इनका जो टेस्ट होता है वो हल्का खट्टा होता है, तो मतलब इनमें अम्ल पाया जाता है। तो चीटी का अम्ल, चीटी कुछ अम मान सकते हो, खट्टा इनमें फॉर्मिक अम्ल होता है। फिर है साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल किसमें होता है, नींबू कुल के जो फल होते हैं जैसे संतरा हुआ, नींबू हुआ, इनमें क्या होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल किसमें होता है, दही में होता है। तो लैक्टिक अम्ल जो होता है किसमें होता है, दही में होता है। फिर अगला है ऑक्सेलिक अम्ल, तो ऑक्सेलिक अम्ल जो होता है किसमें होता है, पालक में होता है। किसमें होता है, ऑक्सेलिक अम्ल जो होता है वो पालक में होता है। फिर दिया है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, तो स्कर्वी जो होता है रोग उसी से रिलेटेड लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे विटामिन सी लिख दिया है। तो एस्कॉर्बिक रोग वो सॉरी एक्स सॉरी एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वो आमला, सिट्रस फल जो होते हैं उनमें होता है। फिर ये हमारा है यहाँ पे टार्टरिक अम्ल, तो टार्टरिक अम्ल किसमें होता है, इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि, ठीक है। अक्सर क्या होता है, कभी कभी जवान लड़खड़ा जाती है, सबके साथ ऐसा होगा, मेरी हमेशा नहीं होता ऐसा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे कि ऊपर जो बताए गए हैं वो प्रकृति में पाए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, प्राकृतिक अम्ल कह सकते हैं। अब इन्होंने क्षारक के नाम दिया है, ये क्षारक किस में पाए जाते हैं उसके नाम दिए हैं। जैसे इन्होंने दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो किस में पाया जाता है, चूने के पानी में। अगला दिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये किस में पाया जाता है, खिड़की के कांच आदि साफ़ करने के लिए जो मार्जक होते हैं उनमें पाया जाता है। अगला जो है हमारा वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये किस में पाया जाता है, साबुन में। फिर हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है, दूधिया मैग्नीशियम, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा किस में क्या होता है।
ठीक है। अगला हमको अभी पढ़ना है हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। तो हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक क्या क्या हैं, जैसे कि पहला है लिटमस, ये एक प्राकृतिक रंजक है। सबसे सामान्य रूप में उपयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक क्या है, लिटमस है। इसे लाइकेनो शैक से निष्कर्षित किया जाता है। तो लाइकेन जो होते हैं हमारे शैवाल वगैरह, उससे निकाला जाता है लाइकेन। आंसू जल में इसका रंग जो होता है कैसा हो जाता है, नील सोड़ हो जाता है, मॉव हो जाता है। ठीक है, आंसू जल में इसका रंग कैसा हो जाता है, मॉव मतलब नील सोड़ हो जाता है। जब इसे अम्ली विलयन मिलाया जाता है तो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। अगर हम लिटमस को अम्ली विलयन मिलाते हैं तो कौन सा कलर का हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, जब आसुत जल में मिलाते हैं तो मॉव हो जाता है, और जब इसको क्षारीय विलयन में मिलाते हैं तो इसका रंग नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज़ की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो लिटमस पेपर होता है ये हमारे इसी से लाइकेन से ही मिलते हैं। ठीक है, तो अम्ल के साथ जब मिलाते हैं तो लाल हो जाता है, क्षार के साथ मिलाते हैं तो नीला हो जाता है। ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर ये कहते हैं कि समानता या लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होते हैं। तो किस रूप में उपलब्ध होते हैं, लाल और नीले लिटमस के रूप में उपलब्ध होते हैं। जैसे कि हमारे काई वगैरह जहाँ पे लगी होती है वहाँ पे छोटे छोटे हरे हरी हरी जमाती है, वही हमारी है। ठीक है, तो इन्होंने दिखाया है, क्या दिखाया है, ये जो इन्होंने डाला पट्टियों के रूप में आते हैं इस रूप में। ठीक है, तो अगर हम इसको अम्ल में मिलाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लाल, और उसमें मिलाएंगे तो नीला हो जाएगा। ठीक है, क्षार में मिलाएंगे। अब आगे चलते हैं, तो आगे हमारा क्या है, क्रियाकलाप दिया है इन्होंने, एक देखते हैं क्या है। तो क्रियाकलाप जो है वो इन्होंने लिखा है, पहला है प्लास्टिक के किसी प्याले कटोरे या परख नली में नींबू का रस लिया है, फिर उसमें थोड़ा पानी मिला दिया, फिर कह रहे हैं ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलयन की एक बूंद को लिटमस पेपर पर डालना है। ठीक है, मतलब नींबू का रस मतलब अम्ल लिया है, तो उन्होंने पेपर पे डाला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका रंग कैसा हो गया, लाल हो गया है। ठीक है, ये लड़कियाँ यहाँ पे परीक्षण करती हुई दिख रही हैं। फिर इसके रंग कैस के रंग में परिवर्तन हुआ, तो आप देख सकते हैं नीला लिटमस में पेपर कैसा हो गया, लाल हो गया है। फिर ये कह रहे हैं कि इसी परीक्षण को नीले लिटमस के साथ दोहराना है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, नोट कीजिए कि क्या रंग में कोई परिवर्तन आ रहा है। इसी क्रियाकलाप को निम्न पदार्थों के साथ दोहराना है, जैसे नल के पानी से करना है, उनको डिटर्जेंट के साथ करना है, वातित जो पेय पदार्थ है, साबुन का विलयन है, शैम्पू है, सामान्य नमक के जो विलयन है, शक्कर का विलयन है, सिरका हुआ, बेकिंग सोडा हुआ, दूध या मैग्नीशियम धावन सोडा, इन चूने का पानी, इन सब के साथ हमें यही प्रयोग जो है वो करना है। पहले उन्होंने सबसे किससे किया है, नींबू के रस में किया है। अब इन्होंने क्या किया है, एक बात लिखी है इम्पोर्टेंट, क्या है, चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा जो है पानी में घोलनी है, विलयन को भली पाती लाकर कुछ देर के लिए रख देना है। अब बोतल के ऊपरी भाग के भाग से कुछ द्रव को किसी बर्तन में निथार लीजिए, यही चूने का पानी हो जाता है। मतलब क्या करना है कि चूने का पानी बनाने के लिए हमें एक बोतल लेना है, उसमें थोड़ा सा चूना डालना है, पानी डालना है, फिर हिलाकर रख देना है, ऊपर का जो पानी होगा वो उसे हमें दूसरे बर्तन में निकाल देना है, वही हमारा चूने का पानी हो जाता है। फिर उन्होंने एक सारणी दी है, इसमें परीक्षण दिया है, परीक्षण का विलयन दिया है, और लाल लिटमस पेपर का जो इस पर प्रभाव हो रहा है वो, और नीले लिटमस पेपर का जो प्रभाव हो रहा है वो, और निष्कर्ष जो निकल रहा है वो लिखना है। फिर आगे जो चल रहे हैं, आगे ये कहते हैं कि क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन हैं जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता, इन पदार्थों के नाम लिखने हैं। तो ये कह रहे हैं ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते, मतलब ऐसे भी कुछ विलयन होते हैं जो लिटमस पेपर जो होता है उसके रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं, मतलब जो क्षारीय अम्ली नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, उदासीन कहलाते हैं, उदासीन विलयन कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ ना तो अम्ली होते हैं ना ही क्षारीय, मतलब ना अम्ली है ना क्षारीय है, तो क्या है, उदासीन है। तब इन्होंने बताया हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है, तो हल्दी को उन्होंने एक अन्य प्राकृतिक सूचक बताया है। इसके लिए उन्होंने क्रियाकलाप दिया है, वो देखते पहला पॉइंट क्या है, एक चम्मच हल्दी पाउडर लेना है, इसमें थोड़ा सा जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाना है, और फिर दूसरा पॉइंट है स्याही सोक्ता,
जिसे इन्होंने ब्लॉटिंग पेपर बताया या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी जो है पत्र बनाइए और उसे सुखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली परत पट्टियाँ जो हैं वो काट लेनी, मतलब उसको सुखा लेना है, हल्दी की को पेस्ट बनाकर उसे सुखा लेना है परते बनाकर, फिर ये काटने को कह रहे हैं। फिर अगला पॉइंट है, हल्दी पत्र की पट्टी पर एक बूंद साबुन का बिलियन डालना है, साबुन डालना है। तो हम क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, जब आपके कपड़ों में कभी हल्दी लग जाती है, खाना वगैरह गिर जाता है, तो आप उसको जब धोते हैं उसका कलर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है ना, ठीक है। तो क्या होता है, मतलब उससे क्या पता चल जाता है, साबुन लगता है तभी लाल होता है, पानी से धुलते हैं तब तक लाल नहीं होता है, जब आप साबुन लगाते हैं तभी लाल होता है। मतलब क्या है, जो साबुन है वो हमारा, उसमें किसके गुण है, क्षारी के गुण है। तो इन्होंने लिखा है इसी प्रकार सारणी 5.3 में दिए गए बिलियनों का परीक्षण कीजिए और अपने प्रश्नों की सारणी 5.3 में नोट कीजिए। आप अन्य पदार्थों के बिलियन से भी परीक्षण कर सकते हैं, मतलब और कई सारे हम जो है परीक्षण कर सकते हैं। इन्होंने एक सारणी बनाई है, जैसे कि इन्होंने दिया है यहाँ पे विलियन दिया है, हल्दी विलियन, हल्दी के विलियन पर प्रभाव, टिप्पणियाँ, ठीक है। उन्होंने नींबू का रस बताया है और हल्दी के विलियन में क्या प्रभाव पड़ता है, फिर उन्होंने टिप्पणी लिखना है हमको। ऐसे ही हमको संतरा, सिल्का, मैग्नीशियम ये सब लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात दी है इन्होंने, देखते हैं क्या है। आप अपनी माता जी के जन्मदिन पर उनके लिए विशेष बधाई पत्र बना सकते हैं। सादे सफ़ेद कागज़ की शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाइए, उसे सुखा लीजिए और रुई के फोहे की सहायता से इस पर चूने के पानी से एक खूबसूरत फूल बनाइए, आपको एक सुंदर बधाई पत्र मिलेगा। मतलब इन्होंने हल्दी और चूने से कलर बनाना सिखाया है, ठीक है। तो हल्दी और चूना जब मिलाते हैं, जब हम तिलक वगैरह करते हैं तो फूली, पहले क्या होता था, रोली नहीं आती थी तिलक लगाने वाली, लोग क्या करते थे, हल्दी और चूना मिलाते थे, जिससे हमारा रेड कलर मिल जाता था, बन जाता था, उसी से तिलक करते थे। अब ये जो पूजो है वो क्या कह रहा है, देखिए पूजो कह रहा है, अब मैं समझ गया कि मेरी सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन के धोने पर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, जैसा कि अभी मैंने बताया। ऐसा इसलिए होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का विलयन जैसा कैसा होता है, क्षारकीय होता है। फिर उन्होंने आगे क्या बताया है, आगे इन्होंने कहा है सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प, तो सूचक के रूप में किसका यूज कर रहे हैं, गुड़हल के पुष्प का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्रियाकलाप दे रहे हैं, क्या है क्रियाकलाप देखते हैं। गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ एकत्र करनी हैं और उन्हें किसी बीकर में रख देना है, इसमें थोड़ा गर्म पानी मिलाना है, फिर मिश्रण को कुछ समय के लिए उनको रखना है, फिर जब तक रंग जो है उसमें आना जाए फूल का, मतलब जब जल जो है रंगीन ना हो जाए, रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग करेंगे। अब सूचक के 5-5 बूंदे लेंगे, ठीक है। अब फिर बिलियन बनाएंगे, फिर हमें साड़ी बनानी होगी, शैम्पू डालेंगे तो आरंभिक रंग कैसा होगा, अंतिम रंग कैसा होगा, नींबू का रस डालेंगे आरंभिक रंग कैसा होगा कैसा, तो मतलब क्या करेंगे हम, शैम्पू डालेंगे, शैम्पू का हमारा क्षारकीय होता है ना, तो क्या हो जाएगा उसका आरंभिक रंग कैसा होगा, गुलाबी था ना, तो लाल का लाल जो था वो हमारा कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा अंतिम रंग, ये बताना है। ऐसे ही नींबू का रस कैसा हो जाएगा, ये सब जो चीज़ें हैं वो हमको बतानी है। यहाँ पर दिया है सूचक का अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अभी ये भी बात बतानी है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों पर को गहरा गुलाबी और मतलब गहरा गुलाबी का मतलब मेजेंटा, क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है, मतलब सूचक का जो अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। फिर उन्होंने कहा गुड़हल के पुष्प का जो सूचक होता है अम्लीय विलयनों को कैसे करता है, गहरा गुलाबी कर देता है, अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी कर देता है और क्षारकीय विलयनों को कैसा कर देता है, हरा कर देता है, ठीक है। और लिटमस पेपर को अम्ल करता है लाल और क्षारक क्या करता है, क्षारक क्या करता है, नीला। तो यहाँ पे दोनों बात कर रहे हैं, क्या है बात है देखते हैं। जब मैं शुष्क लिटमस पत्र के सोडे के ठोस कण रखता हूँ तो मुझे सही परिणाम नहीं मिलते, क्यों, तो खाने के सोडे का बिलियन बनाकर परीक्षण करो। तो मतलब हमको बिलियन बनाकर परीक्षण करना है, उसके कण नहीं रखने हैं, मतलब पानी में मिलाना है तब हमें परीक्षण करना है। इन्होंने अम्ल दिखाया है, एक में सूचक दिखाया, एक में क्षारक दिखाया, कैसे गुड़हल के पुष्प दिए हैं।
तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है गुड़हल का पुष्प और उससे तैयार किया गया सूचक, ठीक है, उससे जो सूचक तैयार किए गए हैं वो हैं। तो गुड़हल का फूल जब हमने गर्म पानी डाल के किया था तो पानी कैसा हो गया, गुलाबी हो गया। तो अम्ल हमने मिलाया, जब उसमें मतलब नींबू का रस मान लो डाल दिया तो कैसा हो गया, मेजेंटा कलर में हो गया, डार्क गुलाबी। लेकिन इसमें इन्होंने ऑरेंज दिखाया है। फिर क्षारक डालते हैं, मतलब साबुन वगैरह कुछ डाल देते हैं या, तो उसका रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। यही इन्होंने परीक्षण में दिखाया है और यही इन्होंने बात भी बताई थी। फिर यहाँ पे फिर इन्होंने एक बात बताई है यहाँ पे, आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनमें अम्लीय क्षार की उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं। पहली आपके लिए निम्नलिखित समस्या लेकर आई है। क्या समस्या लाई है? कॉफ़ी का रंग है भूरा और उसका स्वाद है कड़वा, अम्ल है या ये क्षार है। प्रश्न बड़ा ही है दुश्वार, स्वाद के कारण से अनजान, बिना परीक्षण हो ना ज्ञान। तो इसलिए वो परीक्षण करना चाहती है। कॉफ़ी जो है उसका रंग तो भूरा है पर जब उसको चखते हैं तो वो कड़वा लगता है, तो वो जानना चाहती है वो क्षार की है या अम्ली है। तो एक क्रियाकलाप दिखाया गया है, शिक्षक शिक्षिका से अपेक्षित है कि वे अपने विद्यालय की प्रयोगशाला अथवा आसपास के किसी विद्यालय से निम्नलिखित रसायनों के तनु विलयन लें, ठीक है। फिर ये क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम चूना कहते हैं, चूने का पानी कहते हैं, इनमें से प्रत्येक विलयन पर तीनों सूचकों के प्रभाव को प्रदर्शित करना है। जैसे कि उन्होंने एक चार्ट बनाया है, तो उन्होंने अम्ल डाल, ये अम्ल लिया है, लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है, हल्दी पर क्या प्रभाव पड़ता है, गुड़हल के फूल पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताना है, ठीक है, ये बताना है। फिर इन्होंने एक चेतावनी दी है, प्रयोगशाला अम्लों और क्षारकों के रख रखाव तथा उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं, हानि पहुँचाने, मतलब ये जो क्षारक जो होते हैं प्राकृतिक होते हैं, ये हमारी त्वचा को और कृत्रिम भी होते हैं, ये इनको छूना नहीं चाहिए क्योंकि कभी कभी हम उनको हानि भी पहुंचा देते हैं, ठीक है, कभी कभी ये बहुत तेज होते हैं, ठीक है, इसलिए मना कर रहे हैं। फिर उदासीनीकरण ये बता रहे हैं, उदासीनीकरण क्या है, हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। अब हम देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। अब कह रहे हैं जब हम किसी अम्ल और क्षारक को ही मिला दें, अभी तक हम दोनों की अम्लीयता और क्षारीयता ज्ञात कर रहे थे, अब ये कह रहे हैं अगर हम दोनों को ही मिला दें तो क्या होगा। तो कह रहे हैं कि हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका अभी तक आपने उपयोग नहीं किया है, तो इसे इन्होंने क्या कहा है, फिनॉलथेलिन कहा है। क्या कहा है, फिनॉलथेलिन कहा है। इन्होंने एक क्रियाकलाप दिया है, तो क्रियाकलाप जो है वो क्या है, यह क्रियाकलाप शिक्षक के द्वारा कक्षा में निर्देशित किया जाना चाहिए, मतलब ये जो क्रियाकलाप दे रहे हैं शिक्षक की उपस्थिति में ही करना है। किसी परख नली में एक चौथाई भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लेना है, इसका रंग नोट करना है, फिर फिनॉलथेलिन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए और सूचक के 2-3 बूंद जो हैं अम्ल में मिलाने हैं। फिर क्या करना है, जैसे कि उन्होंने ये 2 परख नलियाँ ली हैं और इसमें अम्ल और सूचक है, इसमें क्षारक डाल रहे हैं, ठीक है, तो इसका रंग कैसा हो जा रहा है, गुलाबी हो जा रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या कहा है, परख नली को धीरे धीरे हिलाइए, क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं क्या कहते हैं, अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंद डालिए, परख नली को धीरे धीरे हिलाइए, क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन है। विलयन को निरंतर हिलाते रहना है, बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन जो है वो डालते रहना है, और जब तक इसका रंग जो है कैसा ना हो जाए, गुलाबी ना हो जाए। अब ये कहते हैं मतलब हमें विलयन की जो बूंदें हैं उसमें जो डाल रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, उनको धीरे धीरे डालते रहना है बूंद बूंद करके, तब तक डालते रहना है जब तक उसका रंग जो है गुलाबी ना हो जाए हल्का। फिर अब कह रहे हैं अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें और मिलानी है, फिर इसके विलयन में पूरा जो इसका विलयन जो होता है पुनः रंगीन हो जाता है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंदें डालते हैं, ठीक है। मतलब इन्होंने एक सूचक पदार्थ लिया है, उसमें क्या बार बार कर रहे हैं कि एक बार अम्ल डाल लें, एक बार क्षार डाल लें, अम्ल डाल लें तो उसका रंग कैसा हो रहा है, सॉरी जब वो क्षार डाल लें तो हल्का गुलाबी हो जा रहा है, फिर जो अम्ल डालते हैं तो उसका रंग फिर से मतलब साफ़ हो जाता है, फिर हाइड्रोक्लोरिक की बूंद डाल लें
तो फिसका उसका रंग गुलाबी हो जाता है। स्पष्ट कीजिए, जब बिलियन क्षारकीय होता है तो फिनॉल थैलिन जो होता है कैसा हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। मतलब क्या कह रहे हैं कि जब उसमें फिनॉल थैलिन जो डालते हैं क्षारकीय होता है, जब बिलियन क्षारकीय होता है तो उसमें फिनॉल थैलिन डालते हैं तो उसका रंग कैसा होता है, गुलाबी हो जाता है। इसके विपरीत जब उसमें बिलियन जो होता है अम्ली हो जाता है, पहले जब क्षारक डालते हैं तो गुलाबी होने लगता है, फिर जब उसमें अम्ल डालते हैं तो वह रंगहीन हो जाता है, मतलब वापस उसी अवस्था में आता है। जब किसी अम्ली विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। और जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्ली रहती है और ना ही क्षारकीय। मतलब ये क्या कह रहे हैं, जब किसी विलयन जो हमारा सूचक पदार्थ है, जब हम उसमें अम्ल भी डालते हैं और क्षारक भी डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, ना ही अम्ली रहता है ना ही क्षारकीय रहता है। दूसरे शब्दों में ये कह रहे हैं कि अम्ल और क्षारक की ही प्रकृति कैसी हो जाती है, लुप्त हो जाती है। मतलब जो विलयन होता है ना अम्ली रहता है ना क्षारकीय रहता है, और इस प्रकार बना विलयन ना तो अम्ली है और ना ही क्षारकीय है। उदासीनीकरण के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें। स्पर्श करने पर क्या अनुभव हुआ, उदासीनी अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती रहती है, अर्थात निर्मुक्त होती है, ऊर्जा जो होती है निकलती है, निर्मुक्त ऊष्मा के अभिक्रिया मिश्रण कर से ताप बढ़ जाता है। मतलब ये जो क्रिया कर रहे हैं उसके बाद जो परख नली जो होती है हमारी गर्म हो जाती है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। तो मतलब जब उदासीनीकरण होता है, जो अम्ल क्षार हम मिलाते हैं किसी सूचक में, तो क्या होता है कि एक नया पदार्थ निकलता है, उसे हम लवण कहते हैं। लवण अम्ली क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। मतलब ये जो लवण है किसी भी प्रकृति का हो सकता है, क्षारकीय भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है, अम्ली भी हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या परिभाषित किया है, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच में होने वाली अभिक्रिया जो होती है उदासीनीकरण कहलाती है। किसी अम्ल और क्षारक के बीच में जो अभिक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल भी निकलता है। तो मतलब ऊष्मा तो निकलती ही निकलती है, साथ में लवण भी निकलता है और क्या निकलता है, जल भी निकलता है। फिर उन्होंने क्या बताया है, एक उन्होंने बात बताई है, वो क्या है देख लीजिए। जब आप अम्ल वर्षा से परिचित हैं, क्या आप मतलब अम्ल वर्षा से परिचित हैं आप, क्या आपने कभी वर्षा जो अम्ल वर्षा होती है के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है। जैसा कि नाम से पता होता है कि जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा हो जाती है। मतलब जब वर्षा का जो पानी होता है उसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो वह कैसी वर्षा होती है, अम्ली वर्षा होती है। वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं, तो वर्षा जल जो होते हैं अम्लीय इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसें जो होती हैं वो मिल जाती हैं। वर्षा के जल में घुलकर कौन से अम्ल बनाती हैं, कार्बोनिक अम्ल बनाती हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती हैं, नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। और अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों और पौधों और जंतुओं की क्षति पहुंचाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि अम्ली वर्षा के कारण ही हमारे ताजमहल का रंग फीका पड़ने लगा है। तो भाई आज जो आपका पहला पार्ट है इस चैप्टर का वो कंप्लीट हुआ है। तो दूसरा जो पार्ट है मतलब पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है तो दूसरा पार्ट भी देखना पड़ेगा। एक्सरसाइज करनी हो तो तीसरा पार्ट भी देखना होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले इंपॉर्टेंट बात है वो भी सुन के जाइएगा और हमारी गुरु दक्षिणा देते जाइएगा। आपको तो पता है हमारी गुरु दक्षिणा क्या है, एक बस आपको सब्सक्राइब करना है, किसी तरह का कोई पैसा नहीं है, बस आप सब्सक्राइब करिए, फिर जो इम्पोर्टेंट बात है वो सुन के जाइए, फिर अपना जो भी करना है काम वो करिए, ठीक है। हर दिन कम से कम 15 ग्रुप्स में शेयर करना होगा। शेयर करने के बाद क्या होगा कि जिसके एक महीने में सबसे ज़्यादा शेयर होंगे, ठीक है, उनको ये गिफ्ट मिलेंगे। गिफ्ट कुल 10 लोगों को मिलेगा, उनकी रैंकिंग के हिसाब से मिलेगा। और आपको बता दें रैंक उन्हीं की बनेगी जो एक दिन में 15 से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो 15 से कम शेयर करेगा, चाहे 14 ही कर रहा हो, तो वो रैंकिंग में नहीं आएगा। तो अगर आप रैंकिंग में आना चाहते हैं तो 15 से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा एक दिन में, और 15 से ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये फ्री में गिफ्ट चाहते हैं तो भाई हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो ये तो हो गई भाई, और इसका रिज़ल्ट जो होगा 5 जुलाई को होगा। और आपको बता दें जब आप हमारे चैनल को जाएंगे, आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया होगा उसके लिए थैंक यू, नहीं किया है तो कर लीजिए।
तो भाई हमारे चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको आपके सब्जेक्ट की जो क्लासेज हैं वो मिल जाएंगी। और फिर आप जब चैनल पे जाएंगे तो आपको हमारे बाकी के अदर 3 चैनल मिल जाएंगे। पहला है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जोजस क्राफ्ट। इन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल क्रिएटिव चैनल है जो आपके माइंड को बूस्ट करेंगे, आपको क्रिएटिव बनाएंगे, ठीक है। क्रिएटिव होना भी एक कला है जो आपका माइंड को बढ़ाती है। तो इन चैनल्स में क्या है, पहला चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जिसमें आप सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में। और दूसरा जो चैनल है जोजस किड्स मस्ती, जो बच्चों के लिए चैनल है, जिनमें उन बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे क्या उनको एक साथ कैसे सिखाया जाए। और तीसरा जो चैनल है वो है जोजस क्राफ्ट, इसमें आप घर बैठे प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हो घर की बेकार चीज़ों से, जैसे शादी के कार्ड हुए, नैपकिन, टिश्यू पेपर हुए, इनसे, ठीक है। तो भाई ये तो बात हुई हमारी। और दूसरी बात ये है कि भाई हमारी गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, गुरु दक्षिणा में हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो गुरु दक्षिणा देना आपको ज़रूरी है, ठीक है। भाई पैसा नहीं मांग रहे, बस इतना कह रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन इसी से मिलते हैं, ताकि आपको हमारी क्लासेस का पता चलता है। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।